तो अल्हम्दुलिल्लाह अपना नींद पूरा हो गया, काफ़ी थक गए थे, आराम से 3-4 घंटा सोया है और अब निकलना है एयरपोर्ट के लिए। 5 बजे का टाइमिंग दिया गया है हम लोगों को रिसेप्शन में आने के लिए, तो अभी टाइम हो रहा है 4:15। बस अब रेडी होकर जाएंगे रिसेप्शन पर और उसके बाद फिर निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए। ये रूम है अपना जो कि एयर इंडिया ने हमें दी थी रहने के लिए, इसमें हमारा कोई पैसा नहीं लगा, रहना और खाना सब एयर इंडिया की तरफ से ही था। तो बस अब रेडी हो जाते हैं फिर चलेंगे नीचे। अभी हैं हम मुंबई एयरपोर्ट में और यहाँ से अपनी दूसरी फ्लाइट है कोलकाता के लिए रात के 9 बजे और उसका जो बोर्डिंग है स्टार्ट होगा 7 बजे। तो अभी टाइम हो रहा है 5:10। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपना चेक इन वगैरह हो गया है और ये बोर्डिंग पास भी मिल गया है और अपना फ्लाइट है कोलकाता के लिए इधर से 8 बजे रात में। अभी बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुआ तो अभी थोड़ा घूमा जाए एयरपोर्ट में, दिवाली है तो काफ़ी सजाया गया है एयरपोर्ट को। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एंड अनदर ब्लॉग। तो अपना चेक इन वगैरह हो गया है और ये रहा बोर्डिंग पास। अपना जो फ्लाइट है कोलकाता के लिए रात के 8 बजे है और अभी 6 बज रहा है तो अभी काफ़ी टाइम है। तो बस अभी हम एयरपोर्ट में ही घूम रहे हैं, दिवाली के वजह से काफ़ी सजाया गया है एयरपोर्ट को, पीछे दिख रहा होगा। मुंबई एयरपोर्ट पहले के मुकाबले काफ़ी खूबसूरत हो गया है। फर्स्ट टाइम गल्फ हम गए थे मुंबई से ही 2016 में और अब है 2023, तो लगभग 7 साल के बाद फिर से हम मुंबई में आए हैं और पहले से ये काफ़ी खूबसूरत दिखता है अब। तो अपना जो बोर्डिंग गेट है जहाँ से हमारी फ़्लाइट जाएगी वो 47B है, तो बस चलते हैं अपने बोर्डिंग गेट पर और जाके वहाँ पर बैठेंगे। फाइनली हमारे बोर्डिंग का टाइम हो गया है। ये दोनों भी मेरे साथी थे, इन लोगों का भी फ्लाइट कैंसिल हो गया था मॉर्निंग में, तो अब हम लोग प्लेन में इन करने जा रहे हैं। तो अभी हम प्लेन में बैठ चुके हैं और अब मिलते हैं सीधे कोलकाता एयरपोर्ट में। तो अभी हम हैं कोलकाता एयरपोर्ट में और अपने लगेज के आने का वेट कर रहे हैं। अभी रात में कुल्टी या आसनसोल के लिए कोई ट्रेन नहीं थी, तो अभी हम जा रहे हैं अपने खाले के यहाँ, रात भर वहाँ रुकेंगे और सुबह फिर ब्लैक डायमंड पकड़ के अपने घर चले जाएंगे। दिवाली के वजह से काफ़ी लाइटिंग वगैरह किया गया है और हॉलीडे होने की वजह से रोड भी काफ़ी खाली है आज। तो अभी हम हावड़ा ब्रिज को क्रॉस करते हुए रेलवे स्टेशन के तरफ जा रहे हैं। अभी 5:15 हो गया है और 6:10 में अपनी ट्रेन है कुल्टी के लिए। अभी इस वक्त हम हावड़ा रेलवे स्टेशन में हैं और अभी टाइम हो रहा है 5:30 और अभी हमारी ट्रेन है 6:10 में कुल्टी के लिए। तो अभी वही चेक करें कि वो कौन से प्लेटफॉर्म में आ रही है। अभी ये सामने बोर्ड है, इस बोर्ड में दिखाएगा कि वो किस प्लेटफॉर्म में आएगी, अभी इसमें शो नहीं कर रहा है। अभी लगभग अपने ट्रेन को जाने में 40-45 मिनट टाइम है, तब तक अभी चाय पी लेते हैं, उसके बाद पता करेंगे कि वो कौन से प्लेटफॉर्म में आएगी।
तो अपनी ट्रेन 6:15 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 8 में आएगी, और अभी हमें है प्लेटफॉर्म नंबर 8 में। और ये मेरे सामने है वंदे भारत जो प्लेटफॉर्म नंबर 7 में लगी हुई है। तो हम ट्रेन में बैठ चुके हैं और ये ट्रेन 5 मिनट के बाद खुल जाएगी, और फाइनली हमारी ट्रेन चल पड़ी है, और ये ट्रेन हमें तकरीबन 4 घंटे में पहुंचाएगी कुल्टी तक। तो अपना स्टेशन बस अब आने वाला है। तो कोलकाता एयरपोर्ट से हम सीधे अपने आंटी के यहाँ चले गए थे, क्योंकि रात में हावड़ा से कोई ट्रेन नहीं थी मेरे घर के लिए, और जो ट्रेन थी वो सुबह की थी, तो कल रात हम वहीं रुक गए थे, और फिर आज सुबह ब्लैक डायमंड से अपने घर जा रहे हैं। बस 2 मिनट उसके बाद अपना स्टेशन आने ही वाला है। तो ये है अपना स्टेशन, और यहाँ से करेंगे टोटो, क्योंकि अपने पास सामान ज़्यादा है, बाइक में जाएगा नहीं। अपने भाई को बुलाया है अभी, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। तो अभी हम टोटो में बैठ चुके हैं और अब सीधे चलते हैं अपने घर की तरफ। ये टोटो है जो हमारे तरफ काफ़ी फेमस है आजकल। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने घर पहुंच गए हैं। वैसे हमको आ तो जाना चाहिए था कल दोपहर 2 बजे तक ही, लेकिन अपना फ्लाइट डिले था मुंबई से, जिस वजह से 1 दिन एक्स्ट्रा लग गया। खैर कोई बात नहीं, तो यहाँ पर करेंगे अपने इस ब्लॉग का एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।